अक्सर आपके घरों के नलों से स्वच्छ और निर्मल पानी निकलता होगा, लेकिन बावा नगरी देवघर के पांडे गली में एक ऐसे शख्स हैं जिनके घरों से गंदे पानी निकल रहा है नलों से, साथ ही साथ वो पानी ऑयल नुमा चिपचिपा और झाग नुमा पानी निकल रहा है। यह तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पांडे गली में जिस शख्स का घर है उसके घरों के नलों से किस तरह का गंदा पानी निकल रहा है। यह तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूरी बाल्टी पूरा झाग नुमा हो चुकी है और ये इनके हाथों में जो तस्वीर देख रहे हैं जो बोतल से भरा गया है वो भी पूरा गंदा अलग अलग कलर का निकल रहा है। कभी ऑयल की तरह निकल रहा है तो कभी पूरा नाले की तरह पानी निकल रहा है, जिससे पेयजल की किल्लत के साथ साथ कपड़े धोने बर्तन धोने की समस्या तक की इंक्वायरी है। अब इन लोगों के घरों से जिस तरह से पानी निकल रहा है काफ़ी ये लोग हमाम है, काफ़ी समय से परेशान है। अभी क्या कारण रहा है और क्या कारण से कितने दिनों से ये लोग परेशान हैं इन लोगों से भी हम जानते हैं। ये बताइए कितना दिनों से आप लोग का परेशान है और किस तरह का पानी निकलता है? 5 महीना से परेशान है और ये पानी से ना हाथ धो सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये पानी छूते हैं तो हाथों में जलन हो जाती है, चमड़ी हल्की हल्की उतरने लग जाती है। तो पानी कैसे पीते हैं? पानी हम रोज डेली 400 रुपए की एक टंकी में डलवाते हैं और मंगाते हैं, बाहर से खरीदते हैं। यहाँ पे एक अन्य शख्स है जिनका घर है उनसे जानते हैं। ये बताइए कि क्या समस्या आ रही है आप लोग का, पेयजल का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यही प्रॉब्लम हो रहा है सर, बगल में साबुन कारखाना है उसी का 4 महीना से पानी उसी कलर का आ रहा है जिस कलर का उसके कारखाना से निकल रहा है, बाहर बहता है नाला में। हम लोग जाके भी देख के आए हैं। एक अन्य शख्स है इन लोगों से भी जानते हैं, आप बताइए किस तरह का समस्या? 4-5 महीना से परेशान है। पीने के लिए पानी कैसा है? बाजार से लाते हैं। चलिए एक अन्य महिला है इनसे जानते हैं, आप बताइए कि क्या समस्या है आप लोग? हम लोग 4 महीना से परेशान है, एकदम पानी इतना गंदा आ रहा है, ना काम कर पाते कोई चीज नहीं कर पाते और कितना खरीद के आदमी पानी कर सकेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से पूरन मल का पूरा जो परिवार जो है काफी परेशान है पेयजल की किल्लत से, साथ ही साथ यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए भी और बर्तन वॉश करने के लिए भी और काफी परेशानी हो रही है, साथ ही ये बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है और ये सीधा चाह रहे कि नगर निगम के द्वारा कोई उचित व्यवस्था किया जाए, साथ ही जांच किया जाए कि आखिर किस कारण से इस तरह का गंदा पानी घरों से जो है निकल रहा है, लेयर से जो निकल रहा है कि क्या कारण रहा है। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।